Hey guys, welcome to new video. इस वीडियो में मैं आपको मुंबई एयरपोर्ट का टूर देने वाली हूँ. मोस्टली मैं इंटरनेशनल सेक्शन में ही हूँ क्योंकि यहाँ से मेरी बैंकॉक की फ्लाइट है, तो मैं आपको यहीं का दे पाऊंगी. तो लेट्स गो. सो आफ्टर माई दिल्ली फ्लाइट मैं मुंबई में पहले लैंड हुई, जहाँ पे मेरा लेओवर था कुछ 2.5 घंटे का. उसके बाद मुझे ट्रांजिट करना था, तो मुझे बाहर तो निकलना नहीं था. तो ओवरऑल मुझे यहाँ से कुछ 10-15 मिनट लगा ट्रांजिट करके इंटरनेशनल डिपार्चर पहुँचने के लिए. और हाँ, बीच में मतलब वहाँ पे वो एयरपोर्ट पे अपना पासपोर्ट चेक करते हैं, उसके बाद आप ट्रांजिट वाली साइड से चले जाते हो और वहाँ पे फिर दोबारा आपका बोर्डिंग पास दूसरा वाला चेक होता है. इधर आपको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी. यहाँ पे वॉशरूम भी है जो काफ़ी सही है, साफ सुथरा है. और मतलब ऐसा कुछ पेमेंट वेमेंट का कुछ सेम नहीं है, फ्री है यूज़ करने के लिए. तो आप यहाँ पे फ्रेशन अप हो सकते हैं. ये है मुंबई एयरपोर्ट. यहाँ मनी एक्सचेंज का ऑप्शन है, इधर चेक इन का है, सब शॉप्स भी हैं. इधर पानी पीने का ऑप्शन है. ये थी लाइन बोर्डिंग करने के फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट. तो यहाँ पे पहले तो आपको अपना बोर्डिंग पास स्कैन करना होगा, फिर अंदर जाने को मिलेगा. वहाँ पे आपको सिक्योरिटी चेक क्लियर करना है पहले, उसके बाद इमिग्रेशन का पूरा सीन होगा. तो ये सब करने में कुछ ऐसा 20-25 मिनट लग जाता है यहाँ पे. तो टाइमली ही आइएगा और लेओवर ढंग से रखिएगा. सिक्योरिटी चेक में ऑब्वियसली अपने गैजेट्स वैजेट्स सब आप बाहर निकाल के रखिएगा. और लिक्विड भी मतलब ज़्यादा लाउड नहीं है, अगर मेरे पास पानी का बॉटल था तो कोई इश्यू नहीं आता, बट हाँ, टू बी ऑन द सेफ साइड आप देख के निकालिएगा. आफ्टर सिक्योरिटी चेक हमारा इमिग्रेशन आता है, उसके लिए फिर दोबारा आपको अपना बोर्डिंग पास स्कैन करना होता है. और टाइम मतलब वेट टाइम कुछ ऐसा 15 मिनट है इमिग्रेशन के लिए. मतलब अभी तो ये तो दोपहर का टाइम था, तो इतना टाइम था, आई डोंट नो, मे बी शाम को थोड़ी ज़्यादा भीड़ होती होगी. तो हाँ, तो वो सब कैलकुलेट करके आप आइएगा. और बेसिक क्वेश्चन ही पूछे थे इधर तो इमिग्रेशन वालों ने, बहुत ज़्यादा कुछ 30 मार्क खाने वाले क्वेश्चन नहीं पूछे थे. तो सब चिल है इमिग्रेशन के हिसाब से. तो हाँ, बस उनको बता दीजिएगा कि आप क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और कब तक वापस आएंगे. तो बाकी तो कोई इशू है ही नहीं, सब चिल. इमिग्रेशन के बाद आ जाएंगे सारे शॉप्स और आप फाइनली लास्ट स्टेज में एंटर कर चुके हैं. शॉपिंग अगर करना है तो आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं. और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जिसके बारे में मैं आगे आपको बताती हूँ यहाँ पे, जो आप यूज़ कर सकते हैं. हे गाइस, तो अभी मैं मुंबई एयरपोर्ट पहुँच गई हूँ और सिक्योरिटी चेक और सब कुछ क्लियर हो चुका है. तो अब हम जाएंगे बोर्डिंग गेट पे. थैंकफुली यहाँ पे तो जल्दी हो गया, तो बट यहाँ का गेट सिस्टम मुझे पता नहीं है, तो देखना पड़ेगा वो. यहाँ पे आपको फूड, यहाँ पे भी आपका फूड कोर्ट वगैरह तो है ही, और स्मोकिंग रूम भी है, टॉयलेट्स हैं, और एक अडानी लाउंज है जो आई थिंक उसका एक्सेस आपको मिलेगा अगर आपके पास कार्ड्स हैं या फिर अगर आपको पैसे पे करना है. तो वहाँ पे लाउंज में आप बैठ सकते हो. और फॉरेक्स और सिम कार्ड्स ये सब भी अवेलेबल है. अगर आपको चाहिए तो आप फॉरेक्स कार्ड भी खरीद सकते हो यहाँ से, सिम कार्ड भी खरीद सकते हो. तो लेट्स गो, लेट्स सी मोर ऑफ मुंबई एयरपोर्ट. यहाँ पे भी काफ़ी हाई फाई शॉप्स हैं और ये खाने का एरिया है. वहाँ पे फूड कोर्ट भी है और ये इधर एक स्मोकिंग रूम है. इधर स्पा भी है अगर जाना है तो, एंड ट्रांजिट होटल एंड लाउंज भी है अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो. रहा फूड कोर्ट, और यहाँ पे भी बहुत सारा सिटिंग का एरिया है. एटलीस्ट यहाँ से व्यूज़ मस्त दिखेंगे. एक्सीडेंटली यहाँ पे गार्डन भी है. ओके, नॉट बैड मुंबई एयरपोर्ट, नॉट बैड. दिस इज प्रेटी कूल, वेरी नाइस. ये चार्जिंग पॉइंट्स भी हैं एंड यहाँ पे कंप्यूटर यूज करना है तो सामने है गेट. दोबारा एक स्मोकिंग रूम है.
दैट्स आर गेट 73 फाइनली। बाय द वे ये मुंबई का टर्मिनल 2 है, तो या एनी वे आई एम प्रिटी इम्प्रेस विद मुंबई का टर्मिनल। मतलब काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पे, तो दैट्स वेरी नाइस। तो हाँ, बेसिकली यही है हमारा वीडियो। ये है आपका मुंबई टर्मिनल 2। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय।